तो फाइनली दोस्तों मैंने एनिमल मूवी देख ली है, बहुत कमाल की मूवी है, करते हैं उस पर डिटेल पर बात। बट पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि इस वीडियो में मैं कोई भी स्पॉयलर्स नहीं देने वाला, और अगर भी कोई स्पॉयलर्स दूंगा तो सीधे वही बात करूंगा जो कि आपके लिए और मूवी का एक्साइटमेंट बढ़ाए ना कि घटा दे। तो वेल हेलो, मेरा नाम है अभिजीत और मैं यहाँ कुछ जीतने नहीं बल्कि आपके पैसे और वक्त बचाने आया हूँ। बात करें अगर दोस्तों मूवी की तो मूवी बहुत अच्छी है, मतलब इसका रन टाइम बहुत ज्यादा है 3.5 घंटे, बट ये मूवी आपको बोर बिल्कुल भी नहीं करती। और देखो यार, टीजर और ट्रेलर में जिस तरह की हाइप क्रिएट हुई थी उससे यही लग रहा था कि मूवी बहुत अच्छी होगी, और लिटरली मूवी बहुत अच्छी है। लेकिन अगर आप बात करें डिसअपॉइंटिंग पॉइंट्स की तो वो यही है कि स्क्रीन प्ले जो है वो विलन को बहुत ही कम दिया गया है, यानी कि लॉर्ड बॉबी, यानी कि जिसके वजह से इतनी हाइप क्रिएट हो रही थी कि ये मूवी बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि जो ट्रेलर में हमने देखा लास्ट में उसके चलते हाइप बहुत बढ़ गई थी, जो कि है लॉर्ड बॉबी का एनिमल रूप, यानी कि रणवीर कपूर के ऊपर वो भारी दिख रहे थे। मतलब जितना आपने टीजर और ट्रेलर में जितना उनका स्क्रीन टाइम देखा है ना, उससे डबल अप कर दो तो बस उतना, यानी कि मुश्किल से 7 या 8 मिनट का उनका स्क्रीन टाइम है, जो कि बहुत ही कम है। अब देखो यार, जब आपको पता है कि मतलब हाइप जो क्रिएट हो रही है वो विलन के चलते ज्यादा हो रही है, ना कि रणवीर कपूर की वजह से। हाँ, रणवीर कपूर भी एक मेजर फैक्टर है इस मूवी की हाइप का, बट इन्होंने क्या किया है कि दो मेजर जो कारण है, यानी कि बॉबी देओल और रणवीर कपूर, इन दोनों को इक्वल स्क्रीन टाइम देना चाहिए था, एटलीस्ट उनका आधा तो देना ही चाहिए था। बट इन्होंने जो मूवी का प्लॉट है उसको बॉबी देओल से हटा करके बाप बेटे के प्यार को दिखाने के चक्कर में लगा दिया, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही बड़ी गलती है। क्योंकि आप में से भी बहुत से लोग ऐसे होंगे जो रिलेट इस मूवी को सिर्फ इसी वजह से कर रहे होंगे कि इसका जो विलन है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप देखना चाहते हो। बट अगर दोस्तों, अगर आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस लेकर जा रहे हो कि ये मूवी में ऐसा होगा और इस तरह की चीजें, हाँ बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी जो कि आपको गूस बम्स देगी, लेकिन लॉर्ड बॉबी का जो रोल आप सोच रहे हो उतना देर का नहीं है, मुश्किल से 7 या 8 मिनट का। फर्स्ट हाफ जो है ऑलमोस्ट 1.5 घंटे का है, बट 1.5 घंटे में आपको एक बार भी बॉबी देओल नहीं मिलते। मतलब अगर मैं आप लोगों से ऐसे भी पूछूं ना, तो आप में से बहुत सारे लोग यही कहेंगे कि हम लोग बॉबी देओल की एक्टिंग देखने जा रहे थे क्योंकि हमें पता है कि रणवीर कपूर बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं। बट यार, 3.5 घंटे की इस मूवी में ऑलमोस्ट 2 घंटे से भी ज्यादा टाइम, मतलब बाप बेटे का प्यार और बाप बेटे के एक दूसरे के प्रति जो गुस्सा है वो दिखाने के चक्कर में ये लोग पार कर चुके हैं, जो कि बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है। खैर दोस्तों, यही एक कारण है जो कि मुझे थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग लगी। बाकी अगर बात करें मूवी की, तो मूवी का आपको पता है कि इस मूवी में आपको बाप बेटे का प्यार दिखाया जाता है, और वो सारे टॉपिक्स दिखाए जाते हैं जो कि एक नॉर्मल इंसान के भी जिंदगी में होते हैं। जो बेटा होता है वो अपने पापा से उतना कनेक्ट नहीं कर पाता, या फिर उनसे बात करने की कोशिश करता है बट उनके जो पापा है वो अपने काम की वजह से उतना उसको टाइम नहीं दे पाते। इस तरह की चीजें नॉर्मल लाइफ में भी होती हैं। मतलब अगर आप मूवी को देखोगे तो आपको थोड़ा थोड़ा कनेक्शन फील होगा, थोड़ा ऐसा लगेगा कि यार ये तो मेरी कहानी बता रहा है। लेकिन जो इस मूवी में अपने पापा के लिए जो टॉक्सिकपन दिखाया गया है, यानी कि उसके पापा को जो गोली मार देता है और उसके बदले में वो उससे बदला लेने की चाह रखता है, हालांकि उनकी फीलिंग्स बिल्कुल सही है, बस जो दिखाने का तरीका है वो थोड़ा ज्यादा अडल्टनेस है, यानी कि थोड़ा ज्यादा आपको वायलेंटनेस आपको ज्यादा दिखेगा। ऐसा क्या होता है ना कि मूवीज देख करके लोग इंस्पायर्ड होते हैं, जैसे कि कबीर सिंह देखी और कबीर सिंह बनने की चाह में बहुत सारी गलतियां कर लेते हैं लोग। मतलब वो अगर सिगरेट पी रहा है तो लोग भी सोचते हैं कि हम भी इस तरह से सिगरेट पियेंगे, तो वो गलत इन्फ्लुएंस होते हैं जो कि मूवीज से हमें नहीं सीखनी चाहिए। मतलब ठीक है, मूवी अच्छी है, उसको एंजॉय करो, एंटरटेनमेंट के तौर पर देखो, ना कि उससे अपना आइडियल चुन लो। अब जैसा एक सिंपल सा आपको एग्जांपल देता हूँ कि मतलब अगर आपने क्रिश देखी तो आपको भी पता है वो जो मूवी में उसको पावर्स मिले वो सिर्फ मूवी तक के लिए है, तो आप उसको रियल लाइफ में एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं कि किसी बिल्डिंग से कूद जाओ क्रिश देखकर, ऐसा तो नहीं होता। बट मुझे समझ नहीं आता कि क्यों लोग बैड हैबिट्स जो है लाइक दारू पीना, सिगरेट पीना, ये सब मूवी से सीख करके खुद को आइडियल मानते हैं, सोचते हैं कि मैं भी कबीर सिंह हूँ, मैं भी एनिमल का रणवीर कपूर हूँ, ये थोड़ी गलत चीज़ें हो जाती हैं, तो ऐसा मत करें। खैर दोस्तों, ये थोड़ा सोशल मैसेज की तरफ वीडियो चला जा रहा है, तो वापस आते हैं टॉपिक पर, बट बातें भूलना मत। खैर दोस्तों, अगर बात करें परफॉर्मेंस की तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है रणवीर कपूर की, तो खास करके बहुत अच्छी है, उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। और अगर बॉबी देओल को भी स्क्रीन प्ले ज्यादा मिला होता या फिर स्क्रीन टाइम ज्यादा मिला होता तो उनकी भी एक्टिंग बहुत ही कमाल की लगती। पूरी मूवी में अगर कोई ऐसा कैरेक्टर है जो कि मुझे लगा कि इसके जगह में किसी और को लेना चाहिए था, तो वो है रश्मिका मंदाना। लिटरली मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो एक्टिंग भी कर रही है, और मुझे विश्वास नहीं हुआ कि ये एक्ट्रेस इस तरह की एक्टिंग भी कर सकती है। मतलब पूरे मूवी में अगर इग्नोरेबल कोई है तो वो वही है। बाकी सारे एक्टर्स ने बहुत ही कमाल की एक्टिंग की है, बहुत ही लाजवाब एक्टिंग की है, मूवी बहुत अच्छी है, आप जाकर के देख सकते हो। खैर दोस्तों, ये मूवी अडल्ट्स के लिए तो है, बट ऐसा कोई भी अडल्ट सीन इसमें नहीं है सिवाय खून खराबे की। मतलब ऐसा कुछ गलत सीन उसमें नहीं दिखाया गया है जो कि सिर्फ अडल्ट्स देख सकते हैं। ओवरऑल बात करो तो मूवी बहुत अच्छी है, बेझिझक जा करके देखो, मूवी बहुत अच्छी है। बट इसके जो कैरेक्टर्स हैं उसे इंस्पायर्ड मत होना, और उस कैरेक्टर को अपने जीवन में ढालने की कोशिश मत करना, एंजॉय करो मूवी को। खैर दोस्तों, मैं देता हूँ इस मूवी को 4/5 स्टार। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय।